Hello everyone, welcome to our channel ISC Steno. I am Ms. Danvi, your shorthand instructor. आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल. इससे पिछली वीडियो में हमने किया था सेकेंड प्लेस वॉवल. उसमें हमने चार मात्राएं देखी थी कि लॉन्ग ए कैसे बनता है, शॉर्ट ई कैसे बनता है, लॉन्ग ओ कैसे बनता है और शॉर्ट यू कैसे बनता है. और उसकी जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने जो थे असाइनमेंट के तौर पे आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे दिए थे. अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लेना और उसे अटेंड कर लेना. और जो उसके क्वेश्चंस की सॉल्विंग है मैं अभी एंड में कराऊंगी, ठीक है. मैंने डाल दिया था कल रात में कि आज जो है सॉल्विंग होगी. अगर नहीं अटेंड किया हुआ तो कर लेना, और अगर आपने कर रखा है तो एक बार चेक कर लेना जब मैं आपको आंसर्स दूंगी उसके, ठीक है. तो एक और चीज आप मुझे बता दो, आवाज आपको क्लियर आ रही है ना, फिर हम स्टार्ट करेंगे. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. अब टॉपिक है आपका फर्स्ट प्लेस वॉवल. फर्स्ट प्लेस वॉवल का मतलब होता है कि जो आपका साउंड, जो आपकी वॉवल का सिंबल है फर्स्ट प्लेस का, वो क्या है, हवा में बनेगा, अबव लाइन बनेगा. तो पहली तो चीज आप यहां लिख लो, अबव लाइन सबसे पहली चीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. जो सेकेंड प्लेस था वो ऑन द लाइन था, यानी लाइन के ऊपर बन रहा था स्ट्रोक. फर्स्ट प्लेस में क्या होगा, हवा में बनेगा. लाइन जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ उसका मतलब है ये लाइन है, जो फर्स्ट प्लेस है ये हवा में रहेगा, और सेकेंड प्लेस क्या था, ऑन द लाइन था. याद करने का तरीका, फर्स्ट प्लेस वाले लोग कैसे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, मैं फर्स्ट आया, मैं फर्स्ट आया. सेकेंड वाले कैसे होते हैं, थोड़े धरती पे होते हैं, सेकेंड ही तो आया हूं मैं, क्या हो गया, ठीक है. तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस है वो हवा में बनेगा और जो सेकेंड प्लेस है वो लाइन पे रहेगा. अब सेकेंड प्लेस की हमने चार मात्रा कर ली थी लास्ट क्लास में, लॉन्ग ए, शॉर्ट ई, लॉन्ग ओ और शॉर्ट यू. आज जो है करेंगे फर्स्ट प्लेस की चार मात्राएं, जो है जितना कवर हो पाएगा आज के सेशन में मैं करा दूंगी. टोटल इसमें चार मात्राएं आएंगी, ठीक है. तो अभी देख लेते हैं. पहली आ रही है मात्रा आपकी शॉर्ट ए. शॉर्ट ए को आप लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है. लिख लो इसमें आगे, शॉर्ट ए लाइट डॉट, मतलब हल्के डॉट से. अब शॉर्ट ए का मतलब शॉर्ट मतलब कि बोलने में जो है वो हल्का है, स्ट्रेच नहीं हो रहा वो वर्ड. अब जो ए यहाँ पे आपको दिख रहा है वो तीन साउंड देगा, या तो आपको अ की आवाज सुनाई देगी, या तो आ की, या ए की. एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ए वाले वर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे आपका वर्ड हो गया एट. अब आपको ए दिख रहा है स्पेलिंग में, रूल ने क्या बोला कि स्पेलिंग में ए दिखेगा और आवाज किसकी आएगी, इन तीन में से कोई भी आ सकती है, अ, आ और ए. जब एट देखा तो ए की आवाज आ रही थी इसमें, तो यानी ये आपका फर्स्ट प्लेस वॉवल है. टी से क्या है, टी से पहले बना हुआ है, तो जो टी है वो हवा में बनेगा ऐसे लाइट में. और टी से पहले क्योंकि है तो वॉवल की प्लेसिंग कहाँ होगी, पहले होगी. फर्स्ट प्लेस कौन सी आपकी, जहां से वॉवल स्टार्ट हुआ, बीच की सेकेंड और आखिरी थर्ड. तो जब बनाएंगे टी से पहले ए का यहाँ पे लाइट डॉट लगा देंगे. ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट प्लेस है आपका, ठीक है. जब भी आपको स्पेलिंग में ए दिखे और आवाज अ, आ या ए की आए तो वो हवा में लाइट डॉट लगेगा, ठीक है. अभी शॉर्टकट भी मैं बताऊंगी ये समझाने के बाद पूरा, ठीक. ऐसी वर्ड देखो, बैट, बैट, ए की आवाज आ रही है, ए दिख रहा है और ए की आ रही है, राइट. इसमें क्या लगेगा, बस लाइट डॉट लगाना आप लोगों को, ठीक है. तो ये बन गया आपका ब ए. अब बचा आपका टी. अब बी जो था वो तो लाइन से ऊपर था, बाकी का टी नीचे आ सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है. सिर्फ पहला स्ट्रोक जिसके साथ मात्रा लगती है वो इस बेस लाइन से ऊपर बनता है, बाकी का जो है नीचे अपनी डायरेक्शन में आ सकता है अगर कोई लेटर आ रहा है तो, ठीक है. नोट कर लो एक बारी. गुड आफ्टरनून तुषार. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ रहा है कैप, सी ए पी, कैप, ठीक है. कै, ए की आवाज आ रही है, सेम चीज, ए दिख रहा है, ए की आवाज आ रही है, लाइट डॉट लगेगा, ठीक. तो के बनाएंगे पहले लाइन से ऊपर ऐसे, के बाद ए का लाइट डॉट और आपका पी, कैप. पूरा हवा में क्यों बना, क्योंकि के क्या था, यहाँ एंड हो रहा था, तो पी यहीं से स्टार्ट होगा, तो उसकी लेंथ इतने में खत्म हो गई, ठीक है. जबरदस्त से उसको नीचे लेके नहीं आएंगे कि पी पूरा नीचे तक करेंगे, ठीक. अब देख लेते हैं और
हमने देख लिया ए के वर्ड देख लिए, अब अ के देख लेते हैं। अ वाले में अगर साउंड आ रही है तो जैसे अटैक, अटैक में क्या है ए दिख रहा है, अ की साउंड आ रही है और फिर से ए दिख रहा है, ए की आ रही है। अटैक हमने देखा अ भी आ रहा है ए भी आ रहा है, हमें पता है दोनों के लिए क्या लगाना है, लाइट डॉट लगाना है, यानी दो डॉट लगेंगे, डॉट सेम रहेंगे क्योंकि आपकी जो ये तीन साउंड है अ और ए, ये तीनों ही रिप्रेजेंट हो रहे हैं लाइट डॉट से, तो जब बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। अब टी से पहले ए है और एक टी के बाद है, यानी टी बना हवा में, टी से पहले लाइट डॉट, टी के बाद लाइट डॉट और ये यहाँ पे की, ये हो गया अटैक आपका। ठीक है, नोट कर लो। अगला वर्ड देखो, अटैक के बाद देख लेते हैं अब आ वाला, आ वाला नहीं कवर किया था वो देख लेते हैं। जैसे आ वाला वर्ड पाथ, पा आथ, आ की आवाज आ रही है आप लोगों को, ए दिख रहा है तो यानी सेम वही लाइट डॉट लगेगा, पी बना ए का लाइट डॉट और ये टी एच पाथ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स दे रही हूँ, आप बना के देखो फिर मैं उसकी सॉल्विंग करवाती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड बनाओ, यहाँ पे पहला बनाओ एम, फिर बनाओ कैम, फिर उसके बाद बनाओ बात, फिर बनाओ मैप, ये वर्ड्स बनाओ। ट्राई करो इन वर्ड्स को, तीनों है इसमें, जहां पे भी साउंड आएगी बस वहां पे एक लाइट डॉट लगेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, और हवा में बनेगा पहला स्ट्रोक, बना लो। अब देखो इसमें एम लिखा है, ए और म, ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड आ रही है, क्या लगेगा, बस डॉट लगेगा। तो पहले एम बनाया हवा में, हवा में क्यों बनाया, क्योंकि ए जो है ये फर्स्ट प्लेस को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये हवा में बन रहा है। ठीक है, एम में ये पहला एम से पहले है, तो एम से पहले ऊपर बिफोर होता है, फर्स्ट प्लेस का यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट लग गया, एम बन गया। इसी तरीके से दिया है कैम, कै एम, फिर से ए की आवाज आ रही है तो के बना एम बना, के बाद ए है, आफ्टर नीचे होता है, फर्स्ट प्लेस यहाँ है, लाइट डॉट लग गया। क्या वैसे है बात, बा आ, आ की आवाज आ रही है, आ के लिए भी सेम लाइट डॉट है, तो बी बना, बी के बाद आ का लाइट डॉट और ये टी एच बात। फिर दिया है मैप, मैप में एम के बाद ए आ रहा है, तो मैं ए और मैप, नोट कर लो एक बारी। थोड़े से वर्ड्स और ट्राई करो, नेक्स्ट बनाओ पाल, पी ए एल बनाओ पाल, फिर उसके बाद बनाओ अमंग, ये दो ट्राई करो फिर मैं और वर्ड्स दूंगी आपको। अब पैल में आपको किस चीज की आवाज आ रही है, पै ए, ए की आ रही है, यानी फर्स्ट प्लेस वॉवल है, लाइट डॉट लगेगा, पै पी बनाया और एल बनाया, पी के बाद ए है, यानी फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट, पैल। फिर दिया है अमंग, अ की आवाज म, अ, ये फर्स्ट प्लेस वाला अ है, ये सेकंड प्लेस वाला है, तो स्टार्टिंग का क्योंकि फर्स्ट प्लेस वाला है इससे सारा हवा में बनेगा, पहले आपने बनाया अ का डॉट, एम, एम के बाद अ की आवाज आ रही है सेकेंड प्लेस पे लाइट डैश और ये एनजी, एनजी का डार्क बनेगा,
क्योंकि अंग की आवाज आ रही है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट बनाओ वर्ड अवे, फिर बनाओ लैक। ये दो वर्ड्स बनाओ, अवे और लैक। अवे में अ की आवाज आ रही है फर्स्ट प्लेस का, व के बाद ए सेकंड प्लेस, यानी पहला फर्स्ट प्लेस है तो हवा में W बना लिया, W की स्टार्टिंग ये होती है, फर्स्ट प्लेस पे ये डॉट, W के बाद A है, सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट, अवे। उसी तरीके से है लैक, L के बाद A है, तो ये L और K, L के बाद है, बिफोर ये आफ्टर ये फर्स्ट प्लेस ये लाइट डॉट लग गया लैक। अगला लिखो वर्ड पैकेज, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, ट्राई करो पैकेज। फिर लिखो शैडो, सोच के बनाना, इसमें दो वॉवल्स यूज हो रहे हैं, फर्स्ट प्लेस का भी और सेकंड प्लेस का भी। ठीक है, अब देख लेते हैं पैकेज में प ए फर्स्ट प्लेस का, के ए सेकंड प्लेस का। तो पहला पी बना हवा में, के और ज, आधे लोग जी बना देते हैं ज की जगह पे, गलती यहाँ होती है। आवाज में क्या आ रहा है पैकेज, ज की आवाज आ रही है, चेजे वाला ज, तो इसलिए ज बनेगा नीचे की तरफ। ठीक है, प ए पी के बाद है ए का लाइट डॉट, के ए के बाद नीचे और ये ज, ये डॉट हैवी बनेगा क्योंकि ये लॉन्ग ए वाला ए है, पे ए से ए वाला ए। ठीक है, नेक्स्ट है शैडो, श ए फर्स्ट प्लेस, डो ओ सेकंड प्लेस। श ए है यानी एस एच के बाद ए का है डॉट यहाँ पे, ड के बाद ओ, डी के बाद ओ सेकंड प्लेस पे शैडो। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा ये वाला। अच्छा, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी सेकंड प्लेस वाले में और फर्स्ट प्लेस वाले में, तो मैं वो पहले क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। जो सेकंड प्लेस वाला हम लोगों ने किया था, ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है, सेकंड प्लेस वाला जो किया था आपको याद होगा, वो स्ट्रेच हो रहा था, पे ए से ए डे ए स्ट्रेच हो रहा था ए। तो अगर आपको ए दिख रहा है स्पेलिंग में और ए सुनाई दे रहा है, जैसे पे ए से ए डे ए, ए सुनाई दे रहा है, तो मतलब ये सेकंड प्लेस का है, लाइट आपका हैवी डॉट लगेगा। कैसे, जैसे प और ए पे, स और ए से, ड और ए डी। ठीक, पर अगर आपको ए दिख रहा है, ए सुनाई नहीं दे रहा, उसकी जगह क्या दे रहा है, अ आ और ए दे रहा है, कैसे, तो मतलब वो फर्स्ट प्लेस है। जैसे अगर आपको ए स्पेलिंग में दिखा, जैसे पाथ लिखा हुआ सपोज, तो उसमें आ के आ रही है ना, ए की आवाज तो नहीं आ रही ना, पेथ तो नहीं है ना, पाथ है। तो अगर आपको ए दिख रहा है और ए सुनाई नहीं दे रहा, उसकी जगह पे अ आ ए कुछ और सुनाई दे रहा है, मतलब वो फर्स्ट प्लेस है। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, एग्जांपल मैं दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे वर्ड हो गया आपका, एक वर्ड हो गया पी ए आई डी और एक हो गया पी ए डी, बना के देखो एक बारी, बना के देखो वर्ड को। अब जो पहला वाला वर्ड पढ़ रहे हैं, ये क्या है, पी ए आई डी है, पेड है, पे ए और ड है, राइट। ए दिख रहा है, ए की आवाज आ रही है, मतलब सेकंड प्लेस है, डायरेक्ट लाइन पे बनेगा, सोचना ही नहीं है। तो ये पे ए और ड, इसे पढ़ा, इसे क्या पढ़ेंगे, पैड, पी ए डी पैड, पे ए, ए नहीं सुनाई दिया ना, सिर्फ आपको ए स्पेलिंग में दिखा और ए सुनाई नहीं दिया, मतलब सोचना ही नहीं है, बस डायरेक्ट हवा में लाइट डॉट और ये डी आपका, ये शॉर्टकट है इसका। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप सब पूछ सकते हो एक बारी, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे।
चलो नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी साउंड आ रही है ए डब्ल्यू की, लॉन्ग ए डब्ल्यू की साउंड है। अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई नया है चैनल पे जो अभी देख रहा है और उसे ग्रुप के बारे में नहीं पता, तो आप जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप है आईएससी स्टेनो नाम का, आप इस पे हमें ऐड कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है। टेलीग्राम का मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ बिकॉज असाइनमेंट्स जो होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देती हूँ। जितने भी आपके वॉवल से रिलेटेड होंगे या जो भी मुझे आगे स्टडी मटेरियल देना होगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं शेयर करूंगी, ठीक है? तो इसीलिए अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आप सर्च करके ऐड कर लेना और ज्वाइन कर लेना। उसपे दोनों ग्रुप्स है, दोनों में कर लेना। एक में नोटिफिकेशन है और एक में जो है पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड होती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आप लोगों का लॉन्ग ए डब्ल्यू हैवी डैश, नोट करो लॉन्ग ए डब्ल्यू हैवी डैश। आपको जो यहाँ पे ए डब्ल्यू दिख रहा है ये ओ की आवाज देगा। स्पेलिंग में ए डब्ल्यू भी दिख सकता है, ए यू भी दिख सकता है, ओ यू भी दिख सकता है। ये साउंड दे रहा है ओ की, ठीक है? हैवी साउंड है मतलब स्ट्रेच हो रहा है, जैसे सौ ओ, लॉ ओ, ओ की आवाज सुनाई देगी आपको, ठीक है? स्पेलिंग में क्या दिखेगा, ए डब्ल्यू, ए यू या ओ यू, ठीक? तो आप जो है पहला वर्ड लिख के देखो सौ। आपने जो सेकंड प्लेस में किया था उसमें भी डैश यूज किया था, उसमें क्या था हैवी डैश था ओ के लिए, उसमें ओ दिख रहा था और ओ सुनाई दे रहा था। इसमें क्या है ए डब्ल्यू दिख रहा है और आपको ओ की आवाज आ रही है। जैसे सौ हो गया, इसमें तो डायरेक्ट दिख गया कि एस के बाद जो है ओ है, तो यानी एस हवा में, ये भी हवा में रहेगा क्योंकि ये अभी फर्स्ट प्लेस वोवल ही चल रहा है, ठीक है? तो ये जितनी भी साउंड अभी मैं कवर करूंगी इसमें ये फर्स्ट प्लेस की, क्योंकि फर्स्ट प्लेस चार मात्राएं हैं टोटल आपकी, ठीक है? पहला शॉर्ट ए था, अब क्या है ए डब्ल्यू है आपका सेकंड वाला, फिर दो और आएंगे अभी, ठीक है? तो सौ है, सौ के बाद ओ, एस के बाद है, आफ्टर है, तो फर्स्ट प्लेस में हैवी डैश, नोट करो। अगला देखो, अगला वर्ड बनाओ पॉ, पी ए डब्ल्यू, ये बनाओ। एक और बनाओ बॉल, फिर बनाओ बॉट, ये चार वर्ड्स ट्राई करो। चलो देख लेते हैं, पहला है बॉल, ओ की आवाज आ रही है, तो बी ओ का हैवी डैश और ये ल बॉल हवा में रहेगा। पॉ, इसमें तो ए डब्ल्यू डायरेक्ट दिख गया तो बन जाएगा पॉ। बॉट में ओ यू दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि ओ यू दिखेगा, बो ओ, ए डब्ल्यू की साउंड आ रही है ओ वाली, बो और ट है तो बी के बाद टी का स्ट्रोक था। ओ के लिए हमने क्या किया, डैश का यूज किया, यहाँ पे हैवी डैश लग गया बॉट, ठीक? इसके बाद एक और ट्राई कर लो, टॉल और टॉक, अब टॉल में ओ की आवाज आ रही है, टॉ ऑल ओ की साउंड है, तो टी ओ की साउंड डैश उसके लिए और एल टॉल। टॉक है, ओ की आवाज आ रही है, टो ऑक, तो टी ओ का हैवी डैश और आपका के टॉक, नोट करो।
और वर्ड्स ट्राई करो उसके। नेक्स्ट बनाओ चौक, फिर बनाओ ऑटो। ये बना लो, फिर इसके बाद जो है हम जो टेलीग्राम में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी सेकंड प्लेस की, मैं उसके भी सॉल्विंग कराऊंगी। इसको बना लो फटाफट। अब चौक है, चौक में चौ ओ की आवाज आ रही है, ए डब्ल्यू की, तो सी एच ओ का है विडाश और के। ऑटो, ओ की आवाज है, ट के बाद ओ सेकंड प्लेस वाला है, ये फर्स्ट प्लेस है सेकंड प्लेस, यानी इसमें दो मात्राएं बनेंगी, फर्स्ट प्लेस वाली भी सेकंड प्लेस वाले भी। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वर्ड के अंदर क्या है, अगर फर्स्ट प्लेस का तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस ही होगा, सेकंड प्लेस का वोवल आ नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है, एक वर्ड में हो सकता है तीन वोवल हो सकता है सेम एक ही कैटेगरी के हो। ठीक है, बना लो एक बारी। ऑटो में ओ है टी से पहले, तो टी बनाया पहले हवा में, ओ फर्स्ट प्लेस पे, टी के बाद ओ सेकंड प्लेस पे, ऑटो हो गया आपका। अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं असाइनमेंट सेकंड प्लेस वाली, इससे आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्लेस असाइनमेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वर्ड मैंने दिया था उसमें पे, फिर दिया था आपका वे, फिर था आपका शोर, फिर था बे। पहले इन वर्ड्स को सॉल्व कर लेते हैं। पे था, पी के बाद ए आ रहा है तो पी बना, पी के बाद सेकंड प्लेस पे ए का हैवी डॉट। वाई के लिए कुछ नहीं बनेगा क्योंकि वाई साउंड में नहीं है। ठीक, वे, व और ए की साउंड है, डब्ल्यू बना, डब्ल्यू के बाद ए का डॉट लग गया, डब्ल्यू के बाद था इसलिए बाद में लगा है। वैसे शोड था, श और ड बना, ओ का लगा डैश सेकंड प्लेस पे, ये हो गया आपका शोड। फिर था बे, ब और ए, बी के बाद था, बी के बाद लगा, इतना नोट करो। नेक्स्ट था से, से दिया था पेड़, एट, एस्क। अब से में क्या था, एस के बाद ए था, तो एस बना, एस के बाद ए का हैवी डॉट। पेड़ में पे, ए और ड था, पी और डी, पी के बाद ए था, बाद था, ए का हैवी डॉट लग गया यहाँ पे। ठीक, फिर था एट, टी से पहले ई की आवाज है, बट तुम स्पेलिंग देख रहे होगे ई का लाइट डॉट नहीं लगेगा, ए और ट लगेगा, ए की आवाज और टी का स्ट्रोक। ठीक है, तो आपका हो गया टी, टी से पहले ए की साउंड है इसलिए ए लग रहा है, स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, साउंड पे जाएंगे। फिर है एस्क, एस्क में ई का लाइट डॉट आएगा इससे पहले, और क, ये लाइन पे रहेगा थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना दिया है, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट था यहाँ पे शो, फिर था आपका एसे, फिर था वेड, फिर था फो। अब शो था आपका एस एच के बाद ओ की साउंड आ रही है, तो एस एच बना, एस एच के बाद ओ का डैश। एसे में एस से पहले ई की है और ए की है, दो लगेंगे वोवल, ए हल्का लाइट डॉट एस से पहले और एस के बाद ए का हैवी डॉट।
वेड था, वे ए और ड। डब्ल्यू आपको स्पेलिंग में देखा आपने, व की आवाज दे रहा है। जब मैंने स्टार्ट में कराया था वर्ड स्ट्रोक, मैंने बोला था कि डब्ल्यू क्या है, वे की आवाज दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डब्ल्यू के लिए ये वाला बना है साइन और डी बना है। फिर था फो, फ एफ बना, एफ के बाद ओ का आपका बन गया फो। यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके आगे और वर्ड्स दे लूँ जो बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट बनाओ, इसके आगे और वर्ड दिए थे बेट, फिर था एच, मे, लोड, एम, मैं एम यहाँ ऊपर बना देती हूँ, विजिबल नहीं है थोड़ा सा, एम, येलो, एस्केप, टे। पहले यहाँ तक नोट कर लो, अगर नहीं किया वो पहले से अटेंड तो एक बार बना लो, फिर मैं इसके आंसर्स दे रही हूँ। अब देख लेते हैं, बेट है, ब के बाद ए और टी, बी बना, बी के बाद ए और टी, एच है, सी एच की आवाज से पहले ए की साउंड है, ई का लाइट डॉट लगेगा, ये सी एच बन गया, सी एच से पहले ई का लाइट डॉट, मे, म के बाद ए, लोड, एल और डी बना, एल के बाद ओ है, एल के बाद है हैवी डैश लोड, ठीक है। इसके बाद है एम, एम से पहले ए है तो एम बना, एम से पहले है तो ऊपर भी फोर है तो ऊपर डॉट आ गया, एम हो गया। येल्लो, ये ए और लो, ई का डॉट लगेगा और ओ का लगेगा, ये ए लो। एस्केप, ई एस के ए और प, एस्केप हो गया, ई का लगा डॉट और ए का लगा, ठीक। और फिर था टे, ट के बाद ए तो टी के बाद ए का हैवी डॉट। यहां तक नोट करो, अब मैं इसके आगे बता रही हूं आपको। नेक्स्ट लिखो टे के आगे, नेम था, नेम के बाद रेट, रेट के बाद कोल, कोम, फोम, लो, टेम, एज, मेड और पेज, ये वर्ड्स थे। नोट कर लो एक बारी, अगर नहीं लिखा है तो। अब नेम दिया है, न के बाद ए है, एन बना, एम बना, एन के बाद है, एन जो होता है ऊपर बिफोर नीचे आफ्टर होता है, आफ्टर में है तो ये डॉट मिडिल में आ जाएगा नेम, ठीक। वैसे ही रेट है, रेट में अपवर्ड आर लगेगा,
वो कैसे पता चलेगा कि अपवर्ड लगाऊं कि डाउनवर्ड, वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। रेट में अपवर्ड आ रहे हैं, रे ए और ट, रेट। फिर है कोल, क ओ अल, के बना, एल बना, के बाद ओ है, के बाद है आपका डैश लग गया, कोल। कोम है, कोम में ब आपको स्पेलिंग में दिख रहा है बट बी की आवाज नहीं आ रही, इसीलिए सिर्फ क ओ और म ही बनेगा, ब नहीं बनेगा, ठीक। तो ये आपका हो गया क, क ओ और म, को। फिर है फोम, फ ओ और म, एफ और एम, एफ के बाद ओ है, एफ के बाद है, हैवी डैश लग गया, फो, ठीक। गुड आफ्टरनून आकाश। नेक्स्ट देखो, लो, ल के बाद ओ है, एल, एल के बाद ओ, लो। फिर दिया है टेम, ट ए और म, तो टी और एम, टी के बाद है ए, बाद है हैवी डॉट, यहां लग जाएगा टेम। फिर दिया है एज, अब स्पेलिंग में जी दिख रहा है बट आवाज क्या आ रही है, ज की आ रही है, ए और ज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ज बना आपका, ज से पहले ए की आवाज है तो ये ए का हैवी डॉट, एज, ठीक। फिर है मेड, मे ए और ड, एक सेकेंड, ये जो मेड वर्ड है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसमें थोड़ा रूल में चेंज होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। पेज आ गया, पे ए और ज है, तो पी ए और ज, पेज, ठीक है, यहां तक नोट कर लो और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो ये टॉपिक हमारा, असाइनमेंट जो है कंप्लीट हो गई है। अभी जो है थोड़े से वॉवल्स और बचे हुए हैं, फर्स्ट प्लेस के दो वॉवल्स एक्चुअली बचे हुए हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो हम स्टार्ट करेंगे और अगर टाइम मिला तो हम उस पर थर्ड प्लेस वॉवल भी कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए क्या है, आप लोग जो है अगर ये नहीं अटेंड किया एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, फर्स्ट प्लेस के वर्ड्स बार बार बोल बोल के प्रोनाउंस करके बनाना, जैसे मैंने ट्रिक बताई थी वैसे करके देखना, आंसर आ जाएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे तुम पूछ लेना, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके असाइनमेंट भी जो है फर्स्ट प्लेस की एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं सेंड करूंगी, ठीक है, ताकि जो है इकट्ठे वर्ड्स में मिल जाएंगे, डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी, ठीक। बाकी अगर आप में से कोई नया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम और लोगों तक पहुँच सकें जो मतलब पढ़ना चाहते हैं और आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।